हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो टुडे आवर टॉपिक इज टाइप कास्टिंग। आप सबसे पहले जाके मेरा पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा जो कि डाटा टाइप्स पे था, तो आपको टाइप कास्टिंग समझ नहीं आएगा, क्योंकि टाइप कास्टिंग और डाटा टाइप्स काफ़ी इंटरलिटेड है, क्योंकि टाइप कास्टिंग में हमने डाटा टाइप्स की ही बात करनी है। सो हमें डाटा टाइप्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हमें टाइप कास्टिंग जो है वो समझ आएगा। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके देख लेना। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है? जो प्रोसेस है वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप जाने का, उसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। मतलब हम किसकी कास्टिंग कर रहे हैं? डाटा टाइप्स की कास्टिंग कर रहे हैं। टाइप कास्टिंग मीन्स डाटा टाइप की कास्टिंग कर रहे हैं। जो प्रोसेस है वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप मूव करने का, उसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब हमारे पास काफ़ी डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट। अगर इनमें से किसी भी डाटा टाइप को उठा कर हम फ्लोट में कर दें कन्वर्ट सपोज, तो ये क्या हो जाएगा? टाइप कास्टिंग हो जाएगी। या फ्लोट को हम इनमें से किसी भी डाटा टाइप में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कई सिचुएशंस में हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है और हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। अब जो हमारी फोर इंटीजर टाइप्स हैं, कौन कौन सी इंटीजर टाइप्स हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। वो किसी भी डाटा टाइप में कन्वर्ट हो सकती है एक्सेप्ट बूलियन। बूलियन डाटा टाइप को छोड़ के हमारी जो चार इंटीजर डाटा टाइप्स हैं वो किसी भी डाटा टाइप में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। और एक और बात, अगर हम बड़ी डाटा टाइप से छोटे डाटा टाइप की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि फ्लोट जो है वो बड़ी डाटा टाइप है और बाइट जो है वो छोटी डाटा टाइप है, तो क्या होता है? हमारा जो डाटा है वो लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ डाटा हो जाती है। अब टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, वन इज वाइडनिंग, इसको ऑटो भी कहते हैं, इसको इम्प्लिसिट भी कहते हैं। इसके तीन नाम हैं, वाइडनिंग, ऑटो और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सेकेंड वन इज नैरोइंग, मैनुअल एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये हमारी टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग हैं, जिन्हें हम तीनों नेम्स के साथ बुला सकते हैं एक टाइप को। अब सबसे पहले हम समझेंगे वाइडनिंग, ऑटो और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो वाइडनिंग है उसमें क्या होता है, छोटे डाटा टाइप से बड़ी डाटा टाइप में कन्वर्जन होती है, मतलब छोटी टू बड़ी ऐसे लिख देते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो नैरोइंग, मैनुअल या एक्सप्लिसिट है, उसमें क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ होती है टाइप कास्टिंग कन्वर्जन। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम बड़े से छोटे डाटा टाइप में जाते हैं तो लॉस ऑफ डाटा होता है, तो नैरोइंग में हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ डाटा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, जिसमें क्या होता है, छोटी डाटा टाइप से बड़ी डाटा टाइप की तरफ कन्वर्जन होती है। अब सबसे पहले बात है कि वाइडनिंग में क्या होता है, कन्वर्टिंग अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप साइज, मतलब कि जो हमारी स्मॉलर डाटा टाइप है वो लार्जर में कन्वर्ट होगी। अब हमने यहाँ पे एक फ्लोट टाइप बना लेते हैं, बाइट जो है वो शॉर्ट में, शॉर्ट जो है वो करेक्टर में होगा, करेक्टर जो है वो इंट में हो सकता है, जो लॉन्ग में। अब इसमें क्या है, बाइट टू शॉर्ट टाइप कन्वर्जन हो सकता है, शॉर्ट टू करेक्टर हो सकता है, या बाइट टू करेक्टर हो सकता है। ठीक है, फिर करेक्टर टू इंटीजर हो सकती है कन्वर्जन, या शॉर्ट टू इंट हो सकती है, या बाइट टू इंट हो सकती है। ठीक है, बट इंट टू करेक्टर नहीं हो सकती, करेक्टर टू शॉर्ट नहीं हो सकती, और शॉर्ट टू बाइट नहीं हो सकती, क्योंकि बाइट जो है वो सबसे छोटी डाटा टाइप है और डबल जो है वो सबसे बड़ी डाटा टाइप है। ठीक है, हम
छोटी बड़ी अकॉर्डिंग टू साइज देख रहे हैं, ठीक है। साइज मीन्स कि वो कितने बिट्स ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकती है। अब जो वाइडनिंग टाइप कास्टिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है जब हम स्मॉलर साइज की टाइप जो है वो लार्जर साइज में पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वाइडनिंग कास्टिंग इज डन ऑटोमेटिकली व्हेन पासिंग अ स्मॉलर साइज टाइप टू अ लार्जर साइज टाइप। जब हम स्मॉलर साइज टाइप को लार्जर में प्लेस कर देंगे, ठीक है, पास कर देंगे, तो हमारे जो टाइप कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसलिए इसको ऑटो टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टाइप कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। अब इसका एक प्रोग्राम देखेंगे जिससे आपको वाइडनिंग टाइप कास्टिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब जावा के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास एग्जाम्पल। हमने क्लास एग्जाम्पल बना ली, उसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ये जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको मैं अच्छे से बताऊंगी कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें स्टैटिक का क्या काम होता है, इसमें पब्लिक का क्या काम होता है, सब कुछ। इस पे हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। उसके बाद हम एक टाइप लेंगे जो कि मतलब एक डाटा टाइप लेंगे जो थोड़ी जो छोटी हो, और एक वो लेंगे जो उससे बड़ी हो, ठीक है। जैसे सपोज मैंने ली इंट, ठीक है, इंट में मैंने वेरिएबल लिया आई इज इक्वल टू 9। ये हमारी क्या होगी, वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी ऑफ टाइप इंट। ठीक है, अब हम एक टाइप ऐसी लेंगे जो इंट टाइप से बड़ी होगी। सपोज मैं डबल ले लेती हूँ, ठीक है, डबल में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज मैंने डी डिक्लेयर कर दिया। अब जो डबल में जो डी डिक्लेयर किया उसमें मैंने आई का वेरिएबल डाल दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इंट टू डबल, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कराई, फिर मैंने डी की वैल्यू प्रिंट कराई। अब इस हम प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले वो मेन फंक्शन पे जाएगा। एक और बात हमने याद रखनी होती है कि जब भी हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को रीड करता है तो सबसे पहले वो मेन के पास जाता है, ठीक है। मेन क्या है, एग्जीक्यूशन, मेन से हमारी मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले वो मेन के पास गया, उसने देखा नीचे आके कि एक हमारा वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है, और उसमें कौन सा डाटा स्टोर है, 9 स्टोर है, ठीक है। मेमोरी में क्या हो गया, 9 स्टोर हो गया ऐसे, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने एक डबल डी नाम का डाटा लिया, ठीक है, डबल डी नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। उसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, आई स्टोर करा दिया, जो कि इंट टाइप का था, ठीक है। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.0, क्योंकि जो डबल है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है, मतलब कि इसमें डेसिमल्स में होता है डाटा, इसलिए यहाँ पे आ गया 9.0। अब क्या हुआ, जो हमारी इंट टाइप थी उसमें जो वैल्यू थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, 9.0 में होगी, जो कि डबल टाइप का था। इसलिए इसमें क्या हो गया, हमारी ऑटो टाइप कास्टिंग होगी, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होगी इंट टू डबल। अब जब हमने वैल्यू प्रिंट कराई आई की, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, जब हमने आई की वैल्यू प्रिंट कराई तब आएगी 9, जब हमने डी की वैल्यू प्रिंट आई तब कराई तब आएगा हमारा 9.0। ये थी हमारी वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, जिसको हम ऑटो टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। अब सेकंड हमारी है
अब सेकंड एंड नैरोइंग टाइप कास्टिंग, मैनुअल या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लार्ज डाटा टाइप है वो किस में कन्वर्ट होती है, स्मॉलर डाटा टाइप में कन्वर्ट होती है, स्मॉलर साइज टाइप में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले डबल आएगा, फिर आएगा फ्लोट, फिर आएगा लॉन्ग, देन इंट, देन करेक्टर, देन शॉर्ट एंड देन बाइट। अब डबल से फ्लोट की तरफ डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि डबल जो है वो बड़ी डाटा टाइप है, फ्लोट जो है वो उससे छोटी डाटा टाइप है। फ्लोट से लॉन्ग की तरफ कर सकते हैं, लॉन्ग से इंट की तरफ, इंट से करेक्टर की तरफ, करेक्टर से शॉर्ट की तरफ और शॉर्ट से बाइट की तरफ। ये किस में होता है, नैरोइंग में होता है, कि बड़े डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप की तरफ आना है हमने। ठीक है, हम फ्लोट से डबल की तरफ नहीं आ सकते, वो क्या हो जाएगी हमारी वाइडनिंग टाइप कास्टिंग हो जाएगी। मेन हमारी नैरोइंग ही होती है। अगर हमें आ जाए क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम ऑफ टाइप कास्टिंग, तो हमने नैरोइंग टाइप कास्टिंग को ही एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि यही मेन होती है। अब जो नैरोइंग टाइप कास्टिंग होती है वो मैनुअली करते हैं, मतलब हम खुद से कुछ स्टेटमेंट ऐसी भरते हैं कि जिससे हमारी जो नैरोइंग टाइप कास्टिंग है वो हो जाए और ना ही हमारा कोई लॉस ऑफ डाटा हो। ठीक है, अब वो कैसे होती है। अब सपोज मैंने डबल टू इंट जाना है, डबल हमारी बड़ी डाटा टाइप है, ठीक है, और जो इंट है वो हमारी स्मॉल डाटा टाइप है। डबल टू इंट जाना है, ठीक है, अब इंट में हमने डबल की वैल्यू स्टोर की ताकि डबल से इंट कन्वर्जन हो जाए। अगर हम ये इंट पेरेंथिसिस में नहीं लिखेंगे, मतलब जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है ना, उसको हमें पेरेंथिसिस में लिखना पड़ता है, तभी कन्वर्जन होएगी, नैरोइंग कन्वर्जन। अगर हम इसको पेरेंथिसिस में नहीं लिखेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, पॉसिबली लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, जिस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, जैसे डबल टू इंट करना है, ठीक है, तो उसे हमें पेरेंथिसिस में लिखना पड़ता है। अगर सपोज मैंने डबल टू बाइट करना है, तो हमें यहाँ पे बाइट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें बाइट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लाइन लिखी है, नैरोइंग टाइप कास्टिंग मस्ट बी डन मैनुअली बाय प्लेसिंग द टाइप इन पैरेंथिसिस इन फ्रंट ऑफ द वैल्यू। उस वैल्यू के आगे पैरेंथिसिस में हमें डाटा टाइप लिखनी पड़ती है जिसमें हमें उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसका हम आगे प्रोग्राम लिखेंगे। एक प्रोग्राम हम वो लेंगे जिसमें हम सिंपली कर देते हैं, जैसे सिंपली हम कर देते हैं इंट आई इज इक्वल टू डी, तो हमारा एरर आएगा। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम एक अलग से प्रोग्राम लिखेंगे। अब इस प्रोग्राम में हमने सिंपली जो है वो वैल्यू प्लेस कर दी, डबल की वैल्यू 9.78 थी, ठीक है, उसको हमने इंटीजर में डाल दिया। ठीक है, अब इसमें हमने मैन्युअली कोई काम नहीं किया, ये ऑटोमेटिक भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बड़ी डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा हमारा, पॉसिबली लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट ये हमारा एरर आया। अब टू रिजॉल्व दिस एरर हमें एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हम मैन्युअली कुछ करेंगे, जो हमने पीछे स्टेटमेंट देखी थी कि हम पैरेंथिसिस लगाएंगे, उससे हमारा जो है वो एरर नहीं आएगा और ना ही हमारा जो डाटा है वो लॉस होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद हम एक डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे, डबल डी इज इक्वल टू 9.78 सपोज मैंने ले लिया, फिर उसके बाद उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट I इज इक्वल टू पेरेंथिसिस में हम लिखेंगे इंट, मतलब जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है उसको हम किस में लिख देते हैं, पेरेंथिसिस में लिख देते हैं, इन फ्रंट ऑफ वो वैल्यू, वो वेरिएबल जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है इंटीजर में या कोई भी छोटे डाटा टाइप में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनुअल
टाइप कास्टिंग हो रही है, फ्रॉम डबल टू इंट, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, सबसे पहले डीको कर देंगे, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, उसके बाद हम आईको कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स बंद। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, पहले डी की वैल्यू हमारी थी 9.78, फिर उसके बाद वो देखेगा इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में हमारे डेसिमल नहीं होता तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9, ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। इससे क्या हो गया, हमारा नैरोइंग टाइप कन्वर्जन भी क्लियर होगी। अब देखो, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ टाइप कास्टिंग, इनकी दोनों टाइप्स को, ठीक है, जिसे आपको कभी टाइप कास्टिंग भूलेगी नहीं। अब हमने दो बॉक्सेस लिए, एक बॉक्स हमने थोड़ा सा बड़ा लिया, एक बॉक्स हमने छोटा लिया, ठीक है, दो बॉक्सेस हमने लिए, एक बॉक्स हमने छोटा लिया, एक बॉक्स हमने बड़ा लिया, ठीक है। अब हमने बड़े बॉक्स से, मतलब बिग बॉक्स से स्मॉल बॉक्स की तरफ आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, मैन्युअली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए ये काम करना। ऑन द सेम साइड जब हमने नैरोइंग टाइप कास्टिंग की बात की, ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि जो हमारी बड़ी डाटा टाइप है उसको हम स्मॉल में लेके आए, तो उसे उसमें हमें मैन्युअली काम करना पड़ा, जो कि हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ी, हमें समझना पड़ा कि यहाँ पैरेंथिस में क्या आएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है नैरोइंग टाइप कास्टिंग। बट ऑन द सेम साइड अगर हमें छोटे बॉक्स से बड़े बॉक्स की तरफ जाना है, ठीक है, छोटा बॉक्स ये स्मॉल बॉक्स है, इसे हमें बड़े बॉक्स की तरफ लेके जाना है, तो हम एक बॉक्स ऊपर और लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये बड़े बॉक्स की तरफ चल जाएंगे, बड़ा बॉक्स बन जाएगा। ऑन द सेम साइड हम कह सकते हैं कि जो वाइडनिंग टाइप कास्टिंग है वो थोड़ी ईजी है, ठीक है, मतलब कि छोटे बॉक्स से बड़े बॉक्स की तरफ जाना ईजी है, इसलिए जो वाइडनिंग है वो ऑटो है और ये जो है वो मैनुअल है नैरोइंग, क्योंकि इसमें हमें मैन्युअली काम करना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।